हेलो नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज की दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। खबर है निजी कंपनियों की नौकरियों में भी मिलेगी झारखंड के स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण। जी हाँ दोस्तों, आरक्षण की इस व्यवस्था के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो कानून तैयार करने तक दोनों विभागों का मार्गदर्शन करेगी। दोस्तों अभी प्राइवेट सेक्टर के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था झारखंड में खुलने वाली नई कंपनियों पर लागू होगी। पहले से चल रही कंपनियों को अभी इससे मुक्त रखा जाएगा। हालांकि पुरानी कंपनियों में नई बहालियों पर इस व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की तैयारी भी साथ साथ चल रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में आरक्षण के लिए बनाई जा रही हाई पावर कमेटी इस मामले के अलावा प्रदेश में लागू जाति आधारित आरक्षण की भी समीक्षा करेगी। खबर है झारखंड में सब्जियों के निर्यात को लेकर जल्द कृषि निर्यात नीति होगी लागू। दोस्तों पहली बार झारखंड की करीब 150 किसानों की सब्जियां विदेश गई हैं। इसके बाद अब दूसरे जिलों से सब्जियां विदेश भेजने की भी तैयारी शुरू हो गई है। सरकार जल्द ही कृषि निर्यात नीति लागू करने की तैयारी में जुट गई है ताकि झारखंड की कृषि उपज का अधिक से अधिक निर्यात किया जा सके। खबर है 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड में भारी बारिश होगी, रेड अलर्ट जारी। दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और ओडिशा के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसका असर राज्य के मौसम पर अगले 3 दिनों तक दिखाई देगा। आपको बता दें कि इसको देखते हुए मौसम विभाग ने 15 और 16 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि झारखंड में अगले 3 दिनों तक सभी स्थानों पर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में बताया गया है कि 15 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार अगले 14 दिनों में राज्य में मानसून की स्थिति सामान्य बनी रहेगी। राज्य में सामान्य रूप से बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। वहीं रांची में भी 17 अगस्त तक लगातार आसमान में बादल छाए रहेंगे। खबर है मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने पीटीआई न्यूज के ब्यूरो चीफ पीवी रामानुजम के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा यह पीड़ादायक है। पीवी रामानुजम की पत्रकारिता के क्षेत्र में अलग पहचान थी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। खबर है झारखंडियों के लिए बड़ी खुशखबरी, नए प्रतीक चिन्ह का हुआ अनावरण। दोस्तों स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पूर्व यानी 14 अगस्त को झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह की लॉन्चिंग की गई। आपको बता दें कि रांची के मोरहाबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में राज्य के नए लोगों का अनावरण किया गया। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह यानी लोगो जारी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य का नया प्रतीक चिन्ह हमारी संस्कृति को रेखांकित करता है। यह हमारी अस्मिता व हमारी चेतना का प्रतीक है। राज्य के प्राकृतिक परिवेश एवं यहाँ के लोगों के जीवन दर्शन को अपने में समेटे हुए हमारी पहचान को प्रकट करता है। खबर है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा झारखंड की स्थानीय नीति में करेंगे संशोधन। दोस्तों झारखंड सरकार के निर्देश के बाद कार्मिक विभाग ने स्थानीय नीति की समीक्षा के लिए कमेटी बनाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि कमेटी पूर्व सरकार रघुवर दास सरकार के कार्यकाल में बनाई गई स्थानीय नीति का स्टडी कर अपने रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार नीति में बदलाव की घोषणा करेगी। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा स्थानीय नीति के लिए 1932 के खतियान को आधार बनाने की पक्षधर है। यह उसके चुनावी घोषणा पत्र का भी हिस्सा रहा है। खबर है झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का ट्वीट, आज झारखंड राज्य को मिला समृद्ध विरासत को प्रतिबिंबित करता नया प्रतीक चिन्ह। दोस्तों उन्होंने आगे कहा यह चिन्ह हमारी संस्कृति को रेखांकित करता है, हमारी अस्मिता का द्योतक और चेतना का प्रतीक है। राज्य के प्राकृतिक परिवेश एवं यहाँ के जीवन दर्शन को अपने में समेटे हुए हमारी पहचान को समग्रता से प्रकट करता है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उक्त बातें ट्विटर के माध्यम से कही। दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, व्हाट्सएप चलाने वाले यूजर्स के लिए। दोस्तों व्हाट्सएप चलाने के लिए नहीं पड़ेगी मोबाइल नंबर की ज़रूरत। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्हाट्सएप सबसे पॉपुलर ऐप में गिना जाता है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप यूजर्स की संख्या करीब 2 अरब से ज़्यादा है। जी हाँ, 2.25 अरब से ज़्यादा है।
यूजर्स को खुश रखने के लिए व्हाट्सएप नए नए फीचर्स की लॉन्चिंग करता रहता है। अब आपको बता दें कि इस ऐप को चलाने के लिए मोबाइल नंबर की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि लैंडलाइन नंबर से भी व्हाट्सएप चलाया जा सकता है। जी हाँ, आप व्हाट्सएप लैंडलाइन नंबर के जरिए भी चला सकते हैं। आपको बता दें कि अक्सर बिजनेसमैन अपने पर्सनल मोबाइल नंबर को ही बिजनेस में यूज करते हैं, लेकिन ये कम ही लोग जानते हैं कि मोबाइल नंबर की जगह लैंडलाइन में भी इस ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दें कि यूजर्स अपने लैंडलाइन नंबर को सीधे व्हाट्सएप बिजनेस ऐप से जोड़ सकते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, अगले साल से सबको जारी होंगे ई पासपोर्ट। केंद्र सरकार ने तैयार किया प्लान। दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार अगले साल से सबको ई पासपोर्ट जारी करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि इन ई पासपोर्ट पर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होगी, जिससे फर्जी पासपोर्ट बनाने पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। सरकारी अधिकारियों, राजनयिकों के लिए 20,000 ई पासपोर्ट जारी हो चुके हैं। अब अगले साल से पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले भारतीय नागरिकों को ई पासपोर्ट उपलब्ध करवाई जाएगी। आपको बता दें कि एक अंग्रेजी अखबार के खबरों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो प्रोसेसर चिप लगे ई पासपोर्ट से फर्जी पासपोर्ट नहीं बन सकेगा। इसके अलावा इमिग्रेशन की प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी। ई पासपोर्ट बनाने के लिए सरकार आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का चुनाव करने जा रही है। दोस्तों, आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, सिर्फ गरीब ही नहीं, अब ये लोग भी उठा सकेंगे आयुष्मान भारत योजना का लाभ। जी हाँ दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना के जरिए देश की गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन अब ये योजना सिर्फ गरीबों तक सीमित नहीं रहेगी। इसका फायदा देश के वो नागरिक भी ले सकेंगे जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं। सरकार ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। सरकार आयुष्मान भारत के जरिए देश के 10.74 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का कैशलेस कवर देती है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी NHA ने अब इन योजना को द मिसिंग मिडिल यानी जिन तक ये स्कीम नहीं पहुंची है उन तक पहुंचाने के लिए भी हरी झंडी दे दी है। आयुष्मान भारत योजना के इस विस्तार से बड़े पैमाने पर उन लोगों को फायदा होगा जो अनियमित सेक्टर्स में काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, प्रोफेशनल्स हैं या फिर छोटे मोटे उद्योग धंधों से जुड़ी कंपनियों में काम करते हैं। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, इलेक्ट्रिक बाइक और ऑटो रिक्शा खरीदने वालों के लिए जारी हुए नए नियम। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बिना प्रीफिटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन की अनुमति दे दी है। यानी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और थ्री व्हीलर की बिक्री और रजिस्ट्रेशन अब बिना बैटरी के भी हो सकती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की कुल लागत लागत में बैटरी की कीमत 30-40% होती है। सरकार के फैसले से वाहनों की अप फ्रंट कीमत भी कम हो जाएगी। आपको बता दें कि इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के उद्देश्य के लिए मेक टाइप या बैटरी के किसी भी अन्य विवरण को निर्दिष्ट करने की जरूरत नहीं है। हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोटोटाइप और बैटरी को केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के नियम 126 के तहत निर्दिष्ट परीक्षण एजेंसियों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत मामले पर एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, सुशांत के ड्राइवर ने खोले कई अहम राज। कहा, अभिनेता के बीमार होने पर भी पार्टी किया करती थी रिया। दोस्तों, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 2 महीने हो गए हैं। मामले की जांच जारी है और आए दिन नई बातें भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि सुशांत के ड्राइवर धीरेन बताते हैं कि सुशांत इतने जिंदा दिल इंसान थे कि सुसाइड नहीं कर सकते, सभी को साथ लेकर चलने वाले शख्स थे। ये फिल्म ड्राइव शिशोरे जैसी फिल्मों की शूटिंग में हमेशा साथ रहे थे। धीरेन मीडिया रिपोर्ट के में सुशांत के लिए बतौर ड्राइवर काम कर चुके एक शख्स से बात करने को दावा किया गया। आपको बता दें कि इस बातचीत में ड्राइवर ने रिया चक्रवर्ती से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। केस में पहले तो नेपोटिज्म की बहस देखने को मिली, लेकिन इसमें नया मोड़ तब आया जब सुशांत के परिवार ने रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की। वहीं तब से रिया और सुशांत के रिश्ते से जुड़े हर पहलू पर तेजी से जाँच चल रही है। इन सबके बीच सुशांत सिंह राजपूत के लिए एक समय पर काम कर चुके ड्राइवर धीरेन ने नया खुलासा किया है।
खबर है SBI किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। SBI ने योनो कृषि प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया नया फीचर। जी हाँ, क्या है नया फीचर, जानिए कैसे इसका फायदा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, देश के सबसे बड़े बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक ने योनो कृषि प्लेटफॉर्म में एक और नया फीचर ऐड किया है। आपको बता दें कि SBI ने इस फीचर का नाम किसान क्रेडिट कार्ड रिव्यू रखा है। इस नए फीचर के बाद अब किसानों को बैंक ब्रांच जाकर अपने क्रेडिट कार्ड लिमिट को रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। SBI ने कहा, KCC रिव्यू विकल्प के लिए किसानों को मात्र 4 क्लिक में अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें बिना किसी पेपर वर्क के घर बैठे अपने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को सेट कर सकते हैं, रिवाइज करने की भी सुविधा ले सकते हैं। आपको बता दें कि SBI का मानना है कि अब तक ये लगभग हर किसान के हाथ में स्मार्टफोन है और इसी को देखते हुए बैंक ने उन्हें यह सुविधा देने का कदम उठाया है। बैंक ने कहा कि योनो कृषि में KCC रिव्यू की सुविधा से करीब 75 लाख किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिल सकेगा। इस पेपरलेस KCC रिव्यू फीचर से न केवल किसानों के समय की बचत होगी बल्कि KCC लिमिट को रिवाइज करने के लिए परेशान भी नहीं होना होगा। फसल कटाई के समय उनके लिए यह त्वरित प्रक्रिया मदद करेगी।